नमस्कार आदरणीय गुरुजन एवं मेरे प्रिय साथियों, आज हम केंद्रीय विद्यालय पुष्प विहार द्वितीय पाली के छात्रों का सौभाग्य है कि कला उत्सव का प्रोजेक्ट हम सब मिलकर कर रहे हैं। ये मेरे प्रिय साथी दृष्टि, विशाल, शुभम, सुचारिता, अंजलि, कीर्तना, अपूर्वा और ये हमारी संगीत शिक्षिका संगीता मैम। हमने इस प्रोजेक्ट को करने के लिए राजस्थान का लोक संगीत चुना जिसको लांगा संप्रदाय के लोग गाते बजाते हैं। हम इस प्रोजेक्ट को करने के लिए राजस्थान के बाड़मेर जिले के बरनवा गांव पहुंचे। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें यहाँ के सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ उस्ताद रहमत खान लांगा जी और उनके परिवार के अन्य सदस्यों से मिलने का सुअवसर प्राप्त हुआ। हमने खान साहब से दरख्वास्त की कि वे हमें श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू किए गए आंदोलन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर आधारित एक राजस्थानी लोक संगीत कराए। ये सुनते ही उनके जहन में एक बड़ा ही सुंदर गीत आया। ये गीत वैसे तो बन्ना और बन्नी दोनों के लिए गाया जा सकता है, परंतु हमारे विषय के अनुसार खान साहब ने उसके शब्दों में बन्नी शब्द अर्थात लड़की का प्रयोग किया। राजस्थानी भाषा में बन्ना बन्नी छोटे बच्चों को भी कहा जाता है। हमने खान साहब से पूछा कि उनके संगीत की परंपरा का क्या ओरिजिन है, तो उन्होंने हमें ये बताया कि उन्हें इसका कोई अनुमान नहीं है और ये उनके परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। हमने रिसर्च किया, वेबसाइट्स भी खोली और बहुत सारे लोगों से ही पूछा और किताबें पढ़ी, लेकिन इसका यह जवाब मिला कि ऐसे संगीत परंपरा का तो कोई निश्चित समय होता ही नहीं है। मेरा नाम रफीक खान लांगा है और मैं खड़ताल प्ले करता हूँ। इंस्ट्रूमेंट का नाम है खड़ताल और ये शीशम की लकड़ी का बना हुआ है और इस सिर्फ राजस्थान के अंदर ही लोकगीतों में बजता है। जैसा कि हम सब ने भी देखा कि आप इतनी अच्छी ढोलक बजा लेते हैं और जो सर ये आप दाहिने हाथ से थाप निकालते हैं, सर इसकी कोई टेक्निक है क्या? इसकी ये टेक्निक है कि तीनों उंगलियों को मिलाएंगे, फिर हाथ को थोड़ा घुमाएंगे ऐसे, फिर बीच में बजेंगे तब ये साउंड आएगा। हम उस्ताद रहमत खान लंगा जी का तहे दिल से शुक्रिया करते हैं कि उन्होंने हमें अपना बहुमूल्य समय देकर राजस्थानी लोक संगीत सिखाया एवं पारंपरिक धुनों की भी जानकारी दी। आप अपने संगीत के सफर के बारे में कुछ बताइए। बचपन से इसमें लगते हैं, जब संगीत सीखने को मिलता है और जहां मैं रहने वाला था वहां तो बहुत मुश्किल की, वहां पानी की दिक्कत होती थी, गर्मी बहुत होती है, तभी हमने संगीत अपना करते रहे और अभी तक तो करते रहते।
आपने संगीत किससे सीखा? मैंने अपने पिताजी से सीखा। मैं कोई 6 साल की उम्र से शुरू कर दिया था, गाना भी लग गया था। फिर गाते गाते वो हमारे पापा बूढ़े हो गए, फिर मेरे उस्ताद बने अलाउद्दीन खान साहब, मेरे चाचा लगते थे, उनसे सीखा मैंने। आप बहुत अद्भुत सारंगी बजाते हैं और बनाते भी हैं, तो सारंगी बनती कैसे है? ये मेरे पास सारंगी है 350 वर्ष पुरानी है। तो ये मुझे 1985 मुझे अमेरिका जाना था और ये सारंगी टूट गई थी। तो ये देख रहे हो रिपेयरिंग हो रही दोबारा। फिर मैंने कहा, सोचा ये कैसे करूं, ये तो इंस्ट्रूमेंट कहीं मिलता नहीं है। तो मैंने रात भर सोया नहीं, मेरे दिमाग में मैं फिल्म चलाता रहा कि मुझे जहन में कैसे चढ़ा कि मैं सारंगी खुद ही बनाऊंगा। और मैं सुबह उठा और लकड़ लाया और मैंने एक सारंगी शुरू की। वो करते करते मैंने 3 महीने में जल्दी जल्दी मुझको बनाया। फिर मैंने बहुत सारी सारंगियाँ बनाई, इतनी बनाई कि जिसके पास सारंगी नहीं थी उसको मैंने ऐसे ऐसी फ्री में भी दे दी। संगीत ऐसा है, उसमें सारा कुछ डिजाइन निकल जाता है। आपका दिमाग भी चलेगा, आपने मुर्की लेनी है या कोई इंस्ट्रूमेंट सीख करना, सब उसमें संगीत में ऐसी बात है। तो गाना सीखिए, सच्चा सुर लगाओ और सच्ची बात बोलो। पारंपरिक कलाकार तो अपना काम कर ही रहे हैं, गांव कस्बों में सदियों से रहकर संगीत, नृत्य, नाटक एवं सभी परंपराओं को निभा रहे हैं। लेकिन अब ये हमारा कार्य है कि हम पारंपरिक कलाओं को आगे बढ़ाएं। इस गीत में बड़ी ही खूबसूरती से बताया जा रहा है कि किस प्रकार एक माँ अपनी बच्ची के लिए सुंदर सुंदर सपने देखती है। पहले वो उसे दूध और बताशा खिलाकर बड़ा करेगी, फिर उसे सरकारी स्कूल भेजेगी और फिर सरकारी नौकरी भी करवाएगी। हर माँ अपनी बच्ची के लिए कुछ ऐसे ही सपने देखती है। और सारी दुनिया में धूम मचाएं।